जैसे आप चुनाव हुआ है, लोग घर पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा जी, पहली बात तो ये कि ये जीत पूरे गांव की जीत है। इसके अंदर कोई किसी भी मोहल्ले का हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे गांव का एक रिकॉर्ड रहा है कि कभी कोई दुश्मनी नहीं होती है। अब पूरा गांव दोबारा से इकट्ठा हो गया है। पहले जो कुछ हादसा हो गया था वो बात जो है पूरे गांव को झंझोर दिया था, लेकिन अब दोबारा से जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर अच्छा लड़का है ये, अच्छा काम करेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा, ऐसी हम इससे उम्मीद करते हैं। और लड़का भी हकीकत में ईमानदार है, कभी कोई किसी से ज़्यादा इसका कोई वो नहीं रहा कि भाई इसने कोई बकवास किया, कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल शरीफ लड़का है। भाईचारा कायम रहेगा, जो सदियों से होता रहा कि हमारे गांव में कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई दुश्मनी कुछ नहीं होती। इधर चुनाव ख़त्म, उधर भाईचारा दोबारा से अपना वहीं का वहीं आ जाता है वो। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशल। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के खातौदड़ा गांव में उपस्थित हैं। यहां सरपंच का और पूरी पंचायत का चुनाव हुआ है। आज हम सरपंच के घर पर मौजूद हैं, यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लोग बधाई देने के लिए आए हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं किस प्रकार से चुनाव रहा और गांव का क्या माहौल रहा और क्या योग्यता थी कि कृष्ण कुमार को सरपंच बनाकर। जी साहब नमस्कार। जी नमस्कार साहब, आपने क्या खुशी से सारी बात बताने माड़ पर आए। नमस्कार साहब बोल तो रहे। हेलो जी, मैं खातौदड़ा गांव से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, दर्शक आप बोल रहे हो। दर्शक आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहता। जैसे कृष्ण आज 36 वोटों से जीतते हैं, हाँ। तो इनके अंदर क्या योग्यता मानते हैं, क्या खासियत मानते हैं? बढ़िया लड़का है, पुराने घर से खानदान से है, हम इसके साथ थे और इसके साथ ही रहेंगे और हमें उम्मीद है कि बढ़िया काम करेगा। क्या खास योग्यता रही है इनकी जो गांव ने? देखो ये एक चीज़ ऐसी है जी, गाँव में सामूहिक काम है, इसमें आगे रहते हैं तो सारी बातें इसमें लड़के में अच्छी हैं। मैं पढ़ा लिखा है, मैं 17 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, मेरा परिवार एक संबंध है इस गांव से, इसलिए मैं आया हूँ। बढ़िया लड़का है, अच्छा काम करे जी। ठीक है जी। भाई साहब क्या नाम? मनोहर लाल। कहाँ से? यहीं से खातौदड़ा। तो जैसे आज सरपंच जो कृष्ण जीते हैं तो इनके अंदर क्या खास? जैसे अच्छा शिक्षित पढ़ा लिखा लड़का है और हमें इसमें सारी अच्छाइयाँ मिली और सारा काम एकत्रित होकर के इनके वोट डाले और सुख शांति से पोल हुआ गांव में, किसी प्रकार के कोई शोर शराबा नहीं। जैसे पीछे जो चुनाव हुए थे, चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाए, गाँव में बहिष्कार कर दिया था जी, और चुनाव के दौरान एक सरपंच उम्मीदवार था उसकी मौत होने की वजह से चुनाव को रोक दिया गया था। रोक दिया। और अब की बार सुरक्षा की व्यवस्था बड़ी कड़ी की गई थी, तो इसमें कोई गांव की तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई विरोध हुआ, कोई गलत बात हुई या आपस में कोई पक्ष वो रंजिशबाजी पार्टीबाजी हुई या शांतिपूर्वक चुनाव? शांतिपूर्वक चुनाव हुआ जी, कोई रंजिश नहीं हुई, कोई पार्टीबाजी नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं।
सब चुनाव शांति चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। तो आप सरपंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सरपंच के अंदर क्या क्वालिटी है? शिक्षित बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और हमने सब अच्छी चीज़ें इसके अंदर दिखाई थी और हम सब ने मिल करके इसको एग्जाम की ये मंजूरी सुनाई। जी भाई साहब, आप कहाँ से? खातूतड़ा। तो सरपंच जैसे आज चुनाव जीतता है, आप बधाई देने के लिए पूछते हैं, तो सरपंच के बारे में क्या? सरपंच बढ़िया लड़का है। बढ़िया? हाँ जी, बढ़िया लड़का है, अच्छा काम करेगा, पीछे नहीं, बढ़िया अच्छा काम करेगा, बढ़िया लड़का। हाँ जी, आप कहाँ से? नहीं सुन। तो सरपंच के बारे में क्या कहें? सरपंच पढ़ा लिखा लड़का है और बढ़िया काम करेगा और ऐसी कोई बात नहीं है, सबको मिलजुल के काम करने वाला बंदा है, ईमानदार लड़का है, बढ़िया काम करेगा और हमारे गांव का बढ़िया विकास होगा। पत्रकार महोदय भगवान को सारो हो है, हमने आत्मिया का साथ है ना भगवान में तारो एक को बनी को और बहुत बढ़िया खुशी की बात है भाई। मतलब ये भी एक को रखो, ये भी और एक को ना छुट्टा, ये भी है ना यो इनको रखो सरपंच को, आपको भतीजा। जी आज जो चुनाव हुआ है और आप सरपंच विजयी हो गए हैं, तो कितने वोटों से आप जीते हैं? मैं जी 36 वोटों से विजय हुआ हूँ, रजनीश कुमार मेरे सेकंड रहे हैं और टोटल वोट 1553 हुए हैं, मुझे 789 मिले हैं, रजनीश कुमार को 752 मिले हैं। तो जैसे चुनाव हुआ है, चुनाव के अंदर काफ़ी संघर्ष हुआ है, पार्टीबाजी भी होते हैं, एक एक वोट पर निगाह होती है, हर वोट को किसी को लुभाना होता है, किसी को अपनी योग्यता दर्शानी होती है, तो आपका कैसे क्या अनुभव रहा, किस आधार पर आपको वोट मिले, आपको मतदाता किस दृष्टि से देख रहे थे? देखो मेरे को मतदाता इस दृष्टि देते हैं, वह पढ़ा लिखा है नौजवान लड़का है, गांव के लिए अच्छा विकास करेगा, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ, मेरे विचार, मेरी शराफत, मेरे सभी प्रकार से मेरे स्वभाव को देख कर गाँव वालों ने मुझे चुना है। तो गांव में जैसे आपकी पहले किस प्रकार की कार्य प्रणाली रही, जैसे समाज सेवा में या अन्य कार्यों में, तो गांव ने किस आपकी अच्छी योग्यता को देख करके वोट दिया? देखो मैं आपको क्या महसूस? लोगों से जुड़ा हो रहता हूँ, मेरा दूध का बिजनेस है, मैं इससे जुड़ा हो रहता हूँ, तो लोगों से मेरा संपर्क हमेशा होता रहता है, तो उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी से, मुझे इस योग्यता की समझ कर ही मुझे चुनाव में मुझे चुना है उन्होंने, तो मैं इन पर पूरा खरा उतरूंगा। गांव की क्या बड़ी कोई समस्या, कोई ज़रूरत है, वो आपका मुख्य फोकस किस बात पर रहेगा? देखो मुख्य फोकस तो हमारे गांव के पानी की समस्या है, जो यहां पर बोर का पानी आता है उसकी बजाय हम नहरी पानी लेके आएंगे, यहां पर गांव में जो पाइपलाइन दबवाएंगे, नहरी पानी लेके आएंगे, उससे गांव के पानी की समस्या ख़त्म होगी। तो कई भी बार ऐसा होता है कि बोर की मोटर जल जाती है तो तीन तीन दिन चार चार दिन पानी नहीं आता, तो उसके लिए सबसे पहले तो यही काम करेंगे हम, तो बोर पाइपलाइन की बजाय नहरी पानी लाएंगे हम। देखिए दर्शकों,
कृष्ण कुमार की जो पत्नी है हमारे साथ है, वो भी बनी हुई है, उनसे पूछते हैं किस प्रकार उनकी सोच रही, कैसा अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर। जी नमस्कार जी, जैसे आज आपके पति सरपंच विजयी हुए हैं तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, सरपंच विजयी हुआ है इसके लिए। तो आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे? मेरे से जितना हो सकेगा उस पूरी तरह से सहयोग करूंगी। देखिए दर्शकों, जो इनकी पत्नी है उसने भी बताया है कि उससे जितना सहयोग हो सकेगा पूरा सहयोग करेगी, और कृष्ण कुमार ने भी बताया है जो पानी की गांव में मुख्य समस्या रही है उनका मुख्य फोकस उस पर रहेगा और गांव का संपूर्ण विकास करने में इनका बड़ा कोशिश रहेगी। तो आपको कैसी ये वीडियो लगी तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।